नहीं एवरीवन, आज हम बात करेंगे और एक पॉइंट के बारे में जो आपको, अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो वो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो स्टॉप लॉस आपने एक्यूरेसी से किया या फिर एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेसी से किया। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती है। जैसे अगर आपके पास अच्छा लिक्विडिटी है तो आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे, और जब आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो वो स्टॉक्स में वॉलीटिलिटी कम रहता है, और अगर वॉलीटिलिटी कम है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, अगर आपने एंट्री लेवल अच्छा लिया है तो, एंट्री लेवल एक्यूरेसी से लिया है तो। साथ ही में जब भी आप ट्रेड करें स्टॉक मार्केट में, वेदर इट इज़ स्मॉल ट्रेड और बिग ट्रेड, डू द ट्रेड एज पर द कैपिटल ऑफ द अकाउंट एंड एज पर योर रिस्क कैपिटल। ओवर पोजिशन मत कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया तो आपके पास उतना कैपिटल है कि वो पोजिशन आप होल्ड कर पाए ओवरनाइट या फिर 2 से 3 डेज, तब तक आपका रेट ना आए, जब तक आप प्रॉफिट में ना आए उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ओवर ट्रेड मत कीजिए, और अगर एक दिन में आपका तीन ट्रेड कॉन्स्टेंटली नेगेटिव गया है, स्टॉप द ट्रेड फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड नेक्स्ट डे वापस आइए विद प्रॉपर रेक्टिफिकेशन ऑल्टरेशन इन योर प्लान, और वापस से अपना ट्रेडिंग कीजिए। 1% रूल मैंने क्या पहले भी कई सारे वीडियोज में मैंने कहा, आज भी मैं रिपीट करूँगा, 1% रूल हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए। 1% रूल, 1% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग कैपिटल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पर ट्रेड। अगर 3 ट्रेड कंसिस्टेंटली आपके ट्रिगर होते हैं, स्टॉप लॉस होता है उसी दिन पे, तो स्टॉप द ट्रेडिंग फॉर द डे। नेक्स्ट डे वापस आइए प्रॉपर ऑल्टरेशंस मॉडिफिकेशन के साथ, नए सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज के साथ, और फिर से नया ट्रेडिंग कीजिए। उसी दिन उस लॉस को कवर करने के पीछे मत भागिए। जब आप उसी दिन उस लॉस को कवर करने के पीछे भागते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉपर स्टेज में नहीं रहता है, और जब आप इमोशंस के ट्रेडिंग में लाते हैं तो आपका एक्शंस इनकंसिस्टेंट होता है, और जब एक्शन इनकंसिस्टेंट होता है तो रिजल्ट भी हमेशा इनकंसिस्टेंट आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने स्टॉप लॉस बरोबर लिया, एंट्री लेवल बरोबर लिया, एग्जिट लेवल बरोबर लिया, पोजीशन साइज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट में। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है स्टॉक मार्केट में। थैंक यू।